हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस वन के चैप्टर 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं माय बॉडी का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टूडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माय बॉडी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। चैप्टर एट अ ग्लांस में देखते हैं आज हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस, एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एंगेज सेक्शन में देखते हैं कि आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। नेम द बॉडी पार्ट्स दैट राइम्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको उन बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है रोज, तो कौन सा बॉडी पार्ट राइम करता है रोज के साथ? नोज। यहां आप लिख देना नोज। सेकेंड इज फेयर, कौन सा बॉडी पार्ट राइम करता है फेयर के साथ? ईयर। तो ऐसे स्टूडेंट ये पूरी एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। चलिए अपने मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हैज अ डिफरेंट नेम एंड फंक्शन। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का अपना एक नेम होता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं आज की, आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस, हमारी बॉडी पार्ट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, हेड, आईज, ईयर्स, लिप्स, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डांसिंग, बैटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, कैरिंग एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड, आईज, लिप्स, शोल्डर्स, नेक, हैंड्स, लेग्स। ये सभी पार्ट जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, मतलब इनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। अभी जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे डांसिंग में हेल्प करते हैं, बैटिंग में हेल्प करते हैं, प्लेइंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, या फिर रनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। आई कैन सी द थिंग्स अराउंड मी विद माई आईज, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? अपनी आईज के थ्रू देख सकते हैं। आई कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विद माई ईयर्स, और अपने आसपास की जो आवाजें हैं, जो नॉइस है, जो साउंड है, वो हम कैसे सुन सकते हैं? अपने ईयर्स के थ्रू सुन सकते हैं। आई हैव टू आर्म्स, ईच आर्म हैज अ हैंड विथ फाइव फिंगर्स, और हमारे टू आर्म्स होते हैं और एक आर्म में हमारी जो हैंड होता है उसमें फाइव फिंगर्स होती हैं। उन फिंगर्स में क्या होते हैं? उन फिंगर्स में नेल्स होते हैं, और हम अपने नेल्स को किससे ट्रिम करते हैं? नेल क्लिपर से ट्रिम करते हैं और उनको हमेशा क्लीन रखते हैं। आई हैव वन माउथ, आई कैन टॉक एंड ईट विद माई माउथ, और हमारा एक माउथ होता है, उसके हेल्प से हम बोल सकते हैं और खा सकते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर टीथ होते हैं जो फूड को बाइट करने में और उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। माउथ के अंदर एक टंग भी होती है और माउथ में दो लिप्स होते हैं। आई हैव वन नोज, आई कैन ब्रीथ एंड स्मेल विद माई नोज, और हमारी एक नोज होती है, उस नोज के हेल्प से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और स्मेल करते हैं। आई ऑल्सो हैव टू चीक्स, वन चिन एंड वन फॉरहेड, देयर इज हेयर ऑन टॉप ऑफ माई हेड, और हमारी बॉडी में एक हेड होता है और दो हमारे चीक्स होते हैं, एक चिन होती है और एक फॉरहेड होता है, और हमारे हेड पे क्या होते हैं? हमारे हेड पे हेयर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं। आई हैव टू लेग्स,
हमारे दो लेग्स होते हैं, ईच लेग में एक थाई होती है, एक नी होता है, लोअर लेग होता है और फुट होता है। एक फुट में 5 टोज होते हैं जिसमें टो नेल होते हैं, और हम टो नेल्स को भी नेल कटर या नेल क्लिपर की हेल्प से ही कट करते हैं और उनको क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम सभी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? हमारे आसपास की जो चीजें हैं उन्हें फील करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें साइट करने में, स्मेल करने में, हियर करने में, टच करने में एंड टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो अबव जो अभी मैंने फंक्शंस बताए वो करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आईज हमें हेल्प करती हैं देखने में, साइट के लिए, नोज टू स्मेल, ईयर्स टू हियर, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू फील, यानी कि टच करने में जो ऑर्गन यूज होता है वो होता है हमारा स्किन। सो स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज टाइम की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में आज हमें कौन से क्वेश्चंस परफॉर्म करने के लिए दी गए हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द हेड इज कवर्ड विद हेयर। सेकेंड क्वेश्चन, योर चीक्स एंड चिन आर द पार्ट्स ऑफ योर, हमारे जो चीक्स होते हैं, चिन होते हैं, वो कहाँ का पार्ट होते हैं? वो होते हैं हमारे फेस का पार्ट। थर्ड, वी नो दैट इट इज डे बिकॉज वी कैन, हम पता लगा सकते हैं कि दिन हुई है या रात हुई है। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं। फोर्थ, अ डेफ पर्सन हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ, जो बहरे लोग होते हैं, जो डीप पर्सन होते हैं, उनका क्या खो जाता है? कौन सा ऑर्गन खो जाता है? कौन सा ऑर्गन काम नहीं करता? हियरिंग। एंड फिफ्थ, वी विल नो डेट अ केटल इज हॉट बाय, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वो गर्म है या ठंडा है? बाय टचिंग, उसको टच करके। बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब ये आपका हेल्प बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज, एट द टॉप ऑफ माय बॉडी इज द हेड। सेकंड, ईच आर्म हैज अ हैंड विद 5 फिंगर्स। थर्ड, आई ट्रिम माय नेल्स विद अ नेल क्लिपर। यहां पे हम लिखेंगे नेल क्लिपर। फोर्थ, आई हैव इनसाइड माई माउथ टीथ। एंड फिफ्थ, वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। सी पार्ट देखते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड, आई कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विद माई आईज, नो फॉल्स। थर्ड, आई हैव नेल्स ऑन माई फिंगर्स, यस। फोर्थ, आई बाइट माई फूड विद माई टंग, फॉल्स। फिफ्थ, माई होल बॉडी इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, यस ट्रू। एंड सिक्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी पार्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको पिक्चर्स को उनके फंक्शन के साथ मैच कराना है। लाइक फर्स्ट इज टू फील, सेकेंड टू स्मेल, थर्ड टू टेस्ट, फोर्थ टू हियर एंड फिफ्थ टू सी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज एक्सरसाइज। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।